एक और शायर से मुलाकात करते हुए आज के अहद की सच्चाइयों और कड़वाहटों को शायरी बनाते हुए हम इस मुशायरे के सफर को आगे बढ़ाएं। मैं शायर से आपसे मुलाकात कराना चाहता हूं जिनका ताल्लुक प्रतापगढ़ से है। तैतुर लफ्ज में अपना कलाम पेश करते हैं। आज के अहद की सच्चाइयों में अपनी अपने दिल के वो जज्बात शामिल करते हैं तो आज का जहर भी आज के दौर की बेबाक ऐसी नुमाइंदगी करता हुआ नजर आता है, ऐसा तबसरा बन जाता है जिसके सामने मीडिया के लोगों के पैर कांपने लगते हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूं जनाब जमील असगर से, बुनियादी तौर पर उनका ताल्लुक प्रतापगढ़ से है लेकिन इन दिनों मुंबई में मुकीम है। जनाब जमील असगर आज के अहद की बहुत आज जितने भी सियासी और समाजी मनाजिर हैं इन्हें अपनी शायरी का हिस्सा बनाना ये जनाब जमील असगर का कमाल है। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। हिजरत न की तो लोगों ने गद्दार कह दिया, हिजरत न की तो लोगों ने गद्दार कह दिया, ऐ मुल्क हम तो तेरी मोहब्बत पर मर गए। जनाब जमील असगर सलाम अलैकुम। जरा जोर से सुन लीजिए, मैं मर्दाना किस्म का शायर हूं। एक बार तालियों से इजाजत दे दे। क्या है कि हमारे वास्ते इंसाफ वाला भेज दे मौला, हमारे वास्ते इंसाफ वाला भेज दे मौला, अंधेरों में घिरे हैं हम उजाला भेज दे मौला, अंधेरों में घिरे हैं हम उजाला भेज दे मौला, जमीन को गुरूर की शुक्रिया। जमीन को फिर जरूरत है किसी ईमान वाले की, उमर फारूक सा कोई जियाला भेज दे मौला, सभी का एक है मालिक, ये सब धर्मों का नारा है, सभी का एक है मालिक, ये सब धर्मों को नारा है, हमें में दोस्तों इंसानियत का रंग प्यारा, हमें में दोस्तों इंसानियत का रंग प्यारा है, हमारी ये गंगा जल हमारा है, ये जमजम भी हमारा है, हमारे खून के हर खतरे में सच्चाई शामिल है, क्या कहना, हमारे खून के हर खतरे में सच्चाई शामिल है, ये किसने कह दिया तुमसे वफादारी नहीं करते, ये किसने कह दिया तुमसे वफादारी नहीं करते, कभी उस सपन में मोहब्बत वाले ने तुमसे की जिम्मेदारी नहीं करते, कभी भी जब मिले तो आकर देख लेना तुम मोहब्बत वाले दुश्मन से भी। शुक्रिया रऊफ भाई, भाई भाई रऊफ भाई ने रऊफ चौधरी साहब ने इस्तकबाल किया जमील असगर का, जो हमने तुमको दी है उसी सौगात आने रहो, जो हमने तुमको दी है उसी सौगात आने रहो, खैरात वाले लोग खैरात आने रहो, खैरात वाले लोग खैरात में रहो, हम जिक्र आगे तमाली में रहो, हर जिंदगी से ज्यादा हो जमील असगर साहब ने इस बात का लिहाज रखा कि जो अच्छा मेजबान होता है वो खुद कम खाता है लेकिन मेहमानों के लिए ज्यादा बचा के रखता है, और यही काम जमील असगर साहब ने किया। इस मुशायरे के इनेकाद में उनका भी अपना एक किरदार है। भाई अब्दुल हफीज मलिक साहब, अब्दुल कलाम मलिक साहब, भाई अब्दुल लतीफ मलिक साहब, मंजूर मलिक साहब, इन तमाम अदब दोस्तों के साथ अब्दुल रऊफ चौधरी साहब और जनाब जमील असगर ने जिस तरह से इस मुशायरे को सजाने में अपना किरदार अदा किया है, यकीनन इन सबको मुबारक बात देने का जी चाहता है, इन सब को मुबारक हो ये खूबसूरत मुशायरे की महफिल जिसमें मोहब्बतों के पैगाम आप किए गए। आइए हजरत।